सो वेलकम टू कॉमर्स गुरु जी सो फाइव मिनट सीरीज में आपका स्वागत है मैं डियर फ्रेंड्स टूडे टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर इज बजटरी कंट्रोल सो बजटरी कंट्रोल क्या होता है मीनिंग क्या होता है और क्या क्या टाइप्स ऑफ बजट होते हैं हम लोग इसमें देखेंगे सो बजटरी कंट्रोल देखिए हर एक जैसे हर एक साल जैसे इंडिया गवर्नमेंट भी बजट निकालता है है ना सो इन एवरी ईयर सिमिलरली कंपनी ऑल्सो पी द बजट कंपनी क्या बनाता है बजट बनाता है ठीक है सो so, बजट क्यों बनाता है सो so, बजट बनाता है इसलिए क्योंकि कंट्रोल करना पड़ता है ऑल द एक्सपेंडिचर इज टू बी कंट्रोल और मैं भी हो सकता है कंट्रोल इट इज़ यूज फॉर द वेरियंस एनालिसिस सो बजटिंग क्या हो बजटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग इज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग इज फॉर फॉर्मुलेट द प्लान ऑफ गिवेन फ्यूचर पीरियड विद एक प्लान किया जाता है फ्यूचर पीरियड के लिए उसको बोलते हैं बजट है कि नहीं सो बजटिंग इज द इज द हेल्प फॉर फ्यूचर प्लान सेकंड बजटरी कंट्रोल क्या होता है बजटरी कंट्रोल मींस इट इज अ टेक्निक टू असेसेंट सो इट इज अ टेक्निक टू असेसेंट द स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल इज डन मींस कंपैरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड आपने स्टैंडर्ड क्या बनाया था व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड वट इज द एक्चुअल सो ये दोनों में कंपेयर करते हैं सो दिस इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड मतलब सोटो पेन बनाना था एक लेबर को ओ बनाया अस्सी सो ये हो गया कंपेयर करना स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना दिस इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल ठीक है एंड एक को न मेजर के लिए डिसन में के लिए हेल्प होता है देन टाइप ऑफ बजट बजट सो जनरली बजट कितना तरह का होता है जनरली आप देखेंगे कि सेवन टू एट टाइप ऑफ बजट होता है ठीक है तो पहले हो टाइप ऑफ बजट मतलब सेल्स सेल्स बजट बजट सो किस लिए बनाया जाता है सेल्स सेल्स बजट बजट इज इज फॉर फॉर जस्ट नो द एक्सपेक्टेड सेल कितना सेल आप करेंगे ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड सो बजट इज प्रीपेय फॉर द पर्टिकुलर पीरियड सो इट इज अ स्टेटमेंट क्वानिटी स्टेटमेंट सो सेल्स बजट में क्या एक्सपेक्टेड सेल रहेगा

कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा उसको पोजिशन बताए पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो हो गया कैश बजट नेक्स्ट हो गया वर्किंग कैपिटल बजट सो so, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ वट इज द करंट एसन मैंने करंट लाइबिलिटी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मीन्स वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू तो डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए सो वर्किंग कैपिटल के लिए वो वर्किंग कैपिटल बजट बनाया जाता है देन प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबिलिटी बजट मीन्स स्पेसिफिक लेवल ऑफ सेल्स के लिए कितना प्रॉफिट होगा मीन्स आप अगर हंड्रेड सोच रहे हैं कि आपका सेल्स हंड्रेड होगा तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए भाई ट्वेंटी परसेंट होना चाहिए आप अगर सेल हो गया एक सौ बीस तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए है ना सपोज बाईस सो दिस इज अ प्लानिंग यू आर डूइंग मीन्स हाउ मच यूर एक्सपेक्टेड सेल्स एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ना उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी बजट देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट मीन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर रिसर्च एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट और डेवलपमेंट एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट एक नेक्स्ट होता है एक मास्टर बजट जो कि इसमें है नहीं एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बजट को बोलते हैं मास्टर बजट क्या बोलते हैं उसको मास्टर बजट मास्टर बजट ठीक है सो हम लोग पढ़ लिए सेल्स बजट क्या है प्रोडक्शन बजट एंड मेटेरियल बजट कैश बजट वर्किंग कैपिटल बजट प्रॉफिट बजट एंड रिसर्च डेवलपमेंट बजट एंड मास्टर बजट सो दिस इज ऑल अबाउट बजट थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बजट और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बजटरी कंट्रोल ठीक है सो बजट इज ए The statement prepared for particular period of time for uh, proper planning to achieving the company goal and objectives thank you